कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। उदयभान जी, जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, सुरेंद्र पवार की ओर से इस्तीफे को लेकर एक मेल के जरिए जानकारी दी जाती है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, जहाँ तक सुरेंद्र पवार जी के इस्तीफे की बात है जी, वो मुझे अभी आपसे पता लगा है, मेरी बातचीत उनसे नहीं हो पाई है। और लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर जो सिक्योरिटी के उस पर जो जिस तरह से हमारे विधायक को धमकी दी जा रही है जी, और उससे परेशान होकर के वो इस्तीफा अगर वो दे रहे हैं, तो ये सरकार के लिए भी बहुत लज्जा की बात है जी। उदयभान जी, देखिए ये मामला तो कांग्रेस ने उठाया, राजभवन तक इस मामले को लेकर पहुंचे, ज्ञापन भी दिया और सरकार की तरफ से भी कहा गया कि हम संज्ञान ले रखे हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है उन तमाम विधायकों की जिनको की धमकियां मिली है। काफी देर नहीं कर दी इस्तीफा देने का फैसला लेने में, क्योंकि एक तरफ कार्रवाई, एक तरफ सरकार के दावे, एक तरफ से सुरक्षा दी जा रखी है और फिर इस्तीफा दे रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई ही तो नहीं की गई, 10 दिन तक अभी तक कोई पता नहीं लगा। वो भयभीत है, हमने उस समय भी कहा था कि जो विधायकों के अंदर भी भय है, जनता के अंदर भय है जी, तो इसके लिए तुरंत जो है सरकार को कदम उठाने चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये बात आपकी सच्ची है, क्योंकि मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं है, मैं पता करूंगा जी। तो कई दिन से देखिए विधायकों को धमकी मिलने का सिलसिला उदयभान जी हम देख रहे थे, आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा लेने का निर्णय लिया। नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ विधायक दल की मीटिंग में थे, आज मिले थे मेरे से, कोई किसी तरह की बातचीत हुई नहीं। आपके मामला संज्ञान में नहीं है? ना, मेरे संज्ञान में नहीं है मामला जी। उदयभान जी, क्योंकि आप बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस के, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी स्थिति में, ऐसी तस्वीरें, हालात में क्या इस्तीफा ही एक विकल्प रह जाता है? नहीं, उससे ये पता लगता है कि विधायक के दिल में कितना भय है और ये सरकार ने कितनी इसको लाइटली लिया है, जो उनको समुचित उनको सुरक्षा व्यवस्था नहीं उपलब्ध करवा पा रही और जिसके वजह से उनको ये स्टेप लेना पड़ रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो बहुत बड़ी इसमें इंक्वायरी की भी आवश्यकता है कि इसमें कोई साजिश भी हो सकती है।